बिहारी का मतलब बीमारी नहीं होता है, मजबूरी नहीं होता है। बिहारी का मतलब दशरथ मांझी भी होता है, जो पहाड़ को तोड़ के काट के और सड़क बना देने का काम करता है। बिहारी का मतलब राजेंद्र प्रसाद भी होता है। बिहारी का मतलब वह भी होता है जो पूरी दुनिया को जीत कर जब बिहार में आता है सिकंदर, उसको लौटना पड़ता है। बिहारी का मतलब यह नहीं होता है कि कोई बिहार में आता है तो सीधे कपार में गोली मार दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार का मतलब सभ्यता होता है, बिहार का मतलब होता है तक्षशिला होता है, बिहार का मतलब होता है विश्व का सबसे पहला यूनिवर्सिटी जिसको कहा जाता है वो देने वाला होता है। बिहार का मतलब सम्मान होता है। और बिहार को बिहारी के रूप में बदनाम करने का बहुत सारे लोग काम करते हैं, उन पे बहुत सारा कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। बिहार सरकार को उस पर भी कार्रवाई कर देना चाहिए था जिसने आओ ना बिहार में स्वागत बा मार देते हैं कपार में गोली, इस तरह का कोई गाना गाया गया था, तो कार्रवाई उस पर भी होते। क्या बिहार में जो लोग भी आते हैं बाहरी उनके कपार में गोली मार दिया जाता है? अगर ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं बिहार सरकार के द्वारा उस चीज पर बैन किया गया? क्यों नहीं बिहार सरकार के द्वारा उस पर केस किया गया? क्यों नहीं बिहार सरकार के द्वारा उसको अरेस्ट करके जेल भेजा गया? अगर तमाम लोग जो बिहार को बदनाम करने का काम करते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है और तभी उनका मनोबल बढ़ता है और बिहार को बदनाम करने का काम करते हैं, ये तमाम सारी चीजें हैं। मनीष कश्यप वाले मामले में भी वही हुआ। मनीष कश्यप ने क्या किया? कोई गलत नहीं किया। मनीष कश्यप ने जो न्यूज देखा उस न्यूज पर उन्होंने काम करने का काम किया। हमने भी किया, बहुत तमाम लोगों ने किया। हिंदुस्तान के एडिटर इन चीफ ने क्या छाप दिया? बर्बरता, तमिलनाडु में मजदूरों के साथ बर्बरता हो रही, उनकी हत्याएं की जा रही है। तो हम हिंदुस्तान जैसे अखबार पर विश्वास नहीं करें? अमर उजाला ने छाप दिया, क्या अमर उजाला जैसे अखबार पर विश्वास नहीं करें? छोड़ दीजिए इस तमाम चीजों को। हम बिहार में रहते हैं और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं, और नीतीश कुमार जी के ट्विटर हैंडल से यह डाला जाता है ऑलरेडी कि बिहार, हमें समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि फलाना फलाना चीज तमिलनाडु में हो रहा है, और हमारे मुख्य सचिव से हमने बात किया कि जाइए खबर करिए और बिहारियों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए। अब बताइए, क्या अब एक बिहारी न्यूज रिपोर्टर या एक बिहारी नौजवान है या एक बिहारी सोशल क्रिएटर या एक बिहारी न्यूज पत्रकार मुख्यमंत्री के बातों पर अगर विश्वास नहीं करे तो किस पर विश्वास करे? यही मैं जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी से भी जानना चाहता हूं, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी जानना चाहता हूं। FIR करना लोकतंत्र का आपको अधिकार देता है, किसी पर FIR करवा दीजिए ना, FIR तो हो ही जाएगा। वो तो प्रधानमंत्री पर भी चाहेंगे तो FIR हो जाएगा, मुख्यमंत्री पर भी चाहेंगे तो FIR हो जाएगा FIR। लेकिन हाँ, हम लोग भी संविधान को मानते हैं, कानून को साथ में लेकर चलते हैं, कानून को हाथ में लेकर चलने का काम नहीं करते हैं, तो कानून पर भरोसा है। रही बात बिहारियों की, बिहारी मजदूरों के दर्द की, तो उसके बारे में मैं बता देना चाहता हूं, आज के डेट में अगर बिहार के सत्ता पर बैठने वाले लोग अगर बिहारियों के बारे में सोचना शुरू कर दे तो कोई बिहारी बिहार से बाहर नहीं जाएगा। हर जिले में अगर एक फैक्ट्री लग जाती है, चाहे वो फैक्ट्री बेल्ट का हो, सीमेंट फैक्ट्री हो, चाहे कारपोरेट का किसी भी चीज का फैक्ट्री हो, अगर बैठ जाए तो कोई बिहारी बिहार से बाहर नहीं जाएगा। एक तरफ बिहारियों को बिहार से बाहर भेजने का काम करते हैं, आप लोगों ने क्या किया है आज तक इन 35 सालों में? बिहार को सबसे बड़ा मजदूर सप्लाई करने वाला राज्य बना के आप लोगों ने रख दिया है, बाकी कुछ नहीं किया आप लोगों ने। आप लोग एक बिहारी का कि किसी का एक बिहारी का भी आप दर्द नहीं समझ सकते हैं, आपके अंदर वो क्षमता नहीं है दर्द समझना, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, और आप सत्ता में रहने का काम करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। बिहारी आप गजब हाल है, आप बिहारी होकर बिहारियों का दर्द नहीं समझते हैं तो आप किसका दर्द समझिएगा? एक बिहारी जो अपने बूढ़े मां बाप को छोड़कर बाहर जाता है, अपने बच्चों को छोड़कर बाहर जाता है, अपने परिवार को छोड़कर बाहर जाता है, क्यों जाता है पता है? वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए जाता है कि बिहार में रोजगार नहीं, ताकि हमारा बच्चा भूखे ना मरे, हमारे बूढ़े मां बाप का दवाई का पैसा ना घटे, हमारा बच्चा रोड पर ना आए और हमें चोर, हमें क्रिमिनल, हमें डाकू ना बनना पड़े। चलो भाई, यहां रोजगार नहीं तो कहीं ना कहीं तो कमाए, और उसी चीज का फायदा। बिहारी सबसे ज्यादा IAS IPS देने वाला बिहार है। बिहार को गाली देना बंद करिए आप लोग कहीं से भी। और रही बात बिहारियों के साथ अन्याय अनहोनी, हर राज्य में होता है भाई मेरे, इस चीज को आप अफवाह साबित कर रहे हैं, चलिए ठीक है, लेकिन गुजरात में जो हुआ उसको भी अफवाह था। महाराष्ट्र में जो मंच पर चढ़ के राज ठाकरे गाली देता है बिहारियों को, क्या वो भी अफवाह है? दिल्ली में बिहारियों को सिर्फ मारपीट जो किया गया, गाली दिया गया था, वो भी अफवाह था? कहां कहां के चीज को अफवाह कहिएगा, वो तो जायज था ना, ये चीज अफवाह है। अफवाह किसके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उनके ट्विटर हैंडल के द्वारा, हिंदुस्तान अखबार के द्वारा, वो अमर उजाला के न्यूज के द्वारा, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, केवल कुछ पत्रकार और कुछ नौजवान क्रिएटर पर, फेसबुक क्रिएटर या यूट्यूब क्रिएटर पर नहीं होना चाहिए। कार्रवाई करिए तो सब पर करिए, कार्रवाई करिए तो उन पर भी करिए, कि आइए ना बिहार में ठोक देंगे
कट्टा कपार में, तो उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए जो बिहार को बदनाम करते हैं कि कोई भी आता है तो बिहारी के द्वारा कट्टा ठोक दिया जाता है। तो ऐसे ऐसे जो लोग हैं जो बिहार को बदनाम करने का काम करते हैं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर, उन पर कार्रवाई करिए माननीय मुख्यमंत्री जी, नीतीश कुमार जी। बस यही आग्रह है आप लोगों से। हम सभी तो नौजवान हैं ही आपके समर्थन में, सपोर्ट में, और आपके ट्विटर हैंडल को हमने फॉलो किया। जब हम देखे कि जब मुख्यमंत्री जी सही कह रहे हैं तब बतवा गलत थोड़े होगा, सही ना होगा। और हम लोगों को फोन भी आया, रिकॉर्डिंग भी है, सबूत भी है। इसलिए हम बस यही कहना चाहते हैं कि बिहार को बदनाम करने वाले सतर्क रह जाइए, आपके साथ कहीं भी कोई भी उपाय हो सकता है, आप पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।